এটা হ্যাঁ, আমি এটা তো ঠিক দুনিয়াতে করতেছি, আসছি এই এবং কারণে আমি বলতেছি স্যার কে র‍্যাকেট করতেছি। बढ़िया 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 बढ़िया। अरे कोई लो 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 है, लो है। उसे बाहर से पड़ी होगी। एक बंदा पीछे गया, ऑल डेड ऑल डेड ऑल डेड। माहे ये में वीडियो पुला पे। हे गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। होप एवरीवन डूइंग वेल। सो आज की वीडियो को আর এখানে একটা জিনিস ইয়ে করতে হবে, তোমার যে এই ড্রপটা যদি কেউ না আসে, দ্যাটস ওয়াই এখানে যাব। তোমার যদি ড্রপটা, যদি তোমার পার্মানেন্ট ড্রপ হয়, সবাই জানে তোমার এটা ড্রপ, এখানে কেউ আসবে না, তাহলে তুমি এইভাবে নামতে পারো। এ ব্রো ব্রো, হ্যালো ব্রো, এটা কি রেকর্ড হইতেছে না? যে আমি কোথায় যে পামু ভিডিওটা? আমার ভিডিও প্লে হইতেছে না, ওয়াই আই ডোন্ট নো, বাট ভিডিও প্লে হইতেছে না। এটা কোথায় পামু আমি পরে? আচ্ছা, মিটিং গেমিং দ মেবি আমার সাবস্ক্রাইব করাইল। আচ্ছা, ইসে থ্যাঙ্কস। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা শুনতেছি কথা শুনতেছি। रखेंगे अपन टूर्नामेंट में कैसे खेलें, एग्रेसिव पैसिव, या अपना गेम स्टाइल चेंज करना चाहिए टूर्नामेंट में खेलते टाइम? तो मेरा ओपिनियन, मेरा मानना ये है कि जो आपका गेम प्ले है वही रखो, उसमें कभी भी चेंजेस मत लेके आओ। जो आपका नेचुरल गेम है ना वही रखो। सो देखो हमारा गेम क्या है, मैं बेसिकली एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा गेम क्या है कि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमम फोर्थ फेज तक फाइट लेते हैं, जहाँ भी फाइट दिखेगी लेते हैं। अगर हमारे पास पोजी है सेंटर ऑफ द जोन या अच्छी पोजी है तो वो नहीं छोड़ते हैं, कॉमन सी बात है। अब अगर आपके पास पोजी है तो आप पोजी क्यों छोड़ोगे? क्या कुछ बंदे क्या करते हैं, फाइट एक नॉक निकालने के बाद एंगेज कर देते हैं एंड वो पोजी छोड़ देते हैं एंड वो जगह कोई और ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना होता, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आप पैसिव कब खेलना है, कब एग्रेसिव खेलना है। तो हम क्या करते हैं कि थर्ड फेज जो तीन फेजेस होते हैं उनमें फाइट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद रोटेशन देते हैं, मतलब फाइट मिल गए तो उसे
छोड़ते नहीं है, उसे लेते हैं आराम से हैंडल करते हैं, निकालते हैं। और ऐसा ही हमने बोलो बोलो হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি इस टूर्नामेंट में, क्या हमने अर्ली फाइट थी वो हैंडल की, ठीक है, एकदम अर्ली फाइट रोटेशन के टाइम हम क्लैश हुए रोटेशन में, तो वो फाइट कैसे हैंडल की, उसके बाद रोटेशन किया, ठीक है, रोटेशन के बाद क्या हुआ आप लोग देखो। मारने क्या? हाँ हाँ रुक जा, मारते हैं पहले एक बार गाड़ी लेंगे, करा तो मारने के लिए था। अर्ली फाइट से ना सही है। बढ़िया तो यहाँ आपने फाइट देखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल्स देखो, एकदम प्रॉपर कॉल्स आ रही है बिना किसी कट के, मतलब कोई कट नहीं कर रहा, एक दूसरे की सुन रहा है। यहाँ पे चार्जिंग मैंने और ब्लेजी ने किया और पीछे से माफिया का कवर आया प्रॉपर, वो हमें इन्फो दे रहा है कि हमने नॉक कर दिया, एक बच्चा चढ़ जाओ, ऐसे कॉल्स देना इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो जैसे उसने बोला नॉक दिया है, तो मैं घुसा, मैं फ्रंट में घुसा और पीछे से बैकअप मेरे सपोर्ट में था ब्लेजी, अगर मैं नॉक होता तो ब्लेजी देख रहा है, एंड साथ ही साथ वो भी एंगेज कर रहे थे, तो ये फाइट यहाँ पे ली एंड उसके बाद जोन रोटेशन किया। एंड जोन रोटेशन के टाइम हम पे शॉट्स आए जहाँ पे हम होल्ड किए, तो हमें वो फाइट लेनी थी, बट हम वहाँ पे पैसिव हुए, हम में से किसी ने पीक नहीं दी, क्यों, क्योंकि 10 सेकंड में जोन आ रहा था और हमें
डिसाइड करना था कहाँ जाना है, ना कि वहाँ टाइम वेस्ट करना था कि हम नॉक को रेव दें या कोई और हम पे नॉक पे पुश कर रहा है। तो हमें वहाँ पे पैसिव होना पड़ा, जो मैं आपको बता रहा था कि पैसिव कब होना होता है, कब नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। जो कि यहाँ था, हमारे यहाँ पे 10 सेकंड में जोन था, तो हमने जोन लिया आराम से, बिना पीक किए जोन में रोटेट किया। एंड एक और चीज, जब भी आप एन सर्कल में रोटेशन करो, देखो बड़ा सर्कल होता है तो इजी आप डिसाइड कर सकते हो प्लान भी, ठीक है, कि वहां बंदे हैं तो वहां जाना है। बट एन सर्कल में क्या होता है, सभी जगह टेकन होती है। तो यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग थी यश नायक, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं थी, ठीक है, तो हमने ना, प्लान भी रखा, जो बिल्डिंग्स थी वहां पे। हमारे एक बंदे ने क्लियर किया था कि वहाँ कोई नहीं है, ठीक है। जो रिवर साइड जो शैक्स थे वो हमारा ए पॉइंट था कि हमें वहाँ जाना है सबसे पहले। बट क्या हुआ कि जो पेट्रोल पंप पे बंदे थे वो लोग ने पहले जगह ले ली, बिकॉज वहाँ जगह का एडवांटेज, उस जगह का एडवांटेज ये है कि आप यशनाय के ऊपर बने जोन, गॉड बिल्डिंग की साइड बने या पीछे बने, हम तीनों जगह ले सकते हैं। तो वहाँ लेना हमारा पहली प्रायोरिटी थी, बट वहाँ पे ऑलरेडी बंदे पहुंच चुके थे, तो हमने एज मतलब हमारा बी जो प्लान था, जो क्लियर था, वहां पे हम गए, होल्ड किया, वहां पे एक छोटी सी फाइट थी। वो हैंडल की एंड जब हम बी पे होल्ड कर रहे थे, जब फाइट में एंगेज कर रहे थे, तो उस टाइम हमने देखा कि ए पार्ट क्लियर है, बट श्योर नहीं थे। जब तक श्योर नहीं हो तो वो रिस्क फैक्टर रहता है, तो हमने श्योर नहीं था, तो हमने वो जगह से जाना नहीं सही समझा। पर हमें क्या पता था कि पेट्रोल पंप क्लियर है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप पे टीम थी वो आ चुकी थी ए पे, जो हमारा पहला पहला प्रायोरिटी था कि हमें वहां जाना है। तो पेट्रोल पंप क्लियर था, तो हमने क्या किया, जोन के बाहर से जो ऊपर का यशनाया ओपन में जोन कटा है, हम वहां से गए। क्यों? क्योंकि हम श्योर थे 100%, जो टीम आई थी वो पेट्रोल पंप से आई थी और वो ब्रिज क्लियर है, तो हम वहीं से गए। उसके बाद हमने जगह ली, एक जगह हम होल्ड किए, वहां पे जोन कट चुका था, बट उसके बाद हमने क्या किया, 2-2 के स्प्लिट में कवर लगाया। उसके बाद हमने किल्स निकालने चालू किए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जगह है
मारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किल निकालो, एंगेज मत करो। आपके पास पोजी है, आप अननेसेसरी पीक नहीं देना है, आराम से सेंटर ऑफ द जोन है, किल निकालो। जहां से आपको लगता है कि पुश आ सकता है तो वहां पे अननेसेसरी पीक ही नहीं देना है, तो वो पुश कैसे ही करेंगे। और डिफेंस में आप इजी डिफेंस कर सकते हो, विदाउट एनी नॉक आएगा तो ऑब्वियसली आप आराम से निकाल सकते हो। বলছে যে পজিশন ভালো হইলে যাতে আননেসেসারি পিক না দেই, যাতে পুশ টুস খাইতে পারি। तो हम यहाँ पे जोन लिया, इजी किल निकाले। और ओपन जोन में भी किल्स कैसे निकालने, एटलीस्ट दो साइड से कवर में रहो, दो नहीं तो एटलीस्ट एक साइड से तो कवर में रहो, और आसपास में एक स्मोक होना जरूरी है, क्यों वो आपको एक तरीके से कवर प्रोवाइड कराता है। तो अब देखो मैंने कैसे किल निकाले। बढ़िया तू लेकर आ उनको। अपार्टमेंट से आएंगे जब भी सामने में टावर पे देखेंगे कोई पक्की पे पूरे गाड़ी निकले नहीं पड़े रहने अभी उनको, पड़े रहने पड़े रहने।
हेल्प चाहिए भाई दोनों तरफ से पिंड है अपन अपन पिंड है दोनों तरफ से एक मार्क दे दे एक मार्क दे दे हम वहीं पे एक तुम आई तरफ वॉच आउट वॉच आउट बग्गी आई तो जैसा कि आपने देखा कैसे किल्स लेना है और जैसे ही स्मोक पीछे से हटा तो एटलीस्ट दो साइड से कवर में जो कि मैंने आपको बताया था एक और फुल गेम प्ले आप पूरी उसमें कॉल सुनो उसमें आपके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा तो इस मैच में देखो हमने कैसे फाइट सेंडल की कैसे रोटेट किया और एंड सर्कल की फाइट कैसे हैंडल की मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा आप अच्छे से कॉल देखो मेरे टीममेट्स की हम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड कैसे नॉक्स निकाले और कुछ गलतियां हो रही है तो उनको कैसे ठीक कर रहे हैं तो आप ये पूरा देखो वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अगर आपको इसके और पार्ट चाहिए आपको और कॉम्पिटिटिव के बारे में जानने तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना सजेशन भी देना नहीं बोलना ताकि
এলেন ভাই একটা প্রশ্ন ছিল, মনে করেন যে আমি একটা জানলা বা ওপেন থেকে পিক নিতেছি, আমার সামনে দুইটা এনিমি পুরো ওপেন দিয়ে আসতেছে, এখন আমি কি করব? না শুধু দুইজন ওপেন দিয়ে আসতেছে। এক 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 কথায় আমি বলি, এক কথায় ড্যামেজ দাও ভিতরেও, ড্যামেজ দাও ভিতরেও, ড্যামেজ দাও ভিতরেও, এরকম করে মারতে। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আরেকটা ছিল, সাপোজ এই পজিশনে আছি আমি, একটা শ্যাকের ভিতর আছি এবং ওরা মানে আমি যদি পিক না দেই, একজন প্রি ফায়ার দিতেছে একজন রাশ করতেছে, দেন আমি কি করব? জি ভাইয়া না পাবো তো নাই। আচ্ছা আরেকটা আমার প্রশ্ন ছিল, মানে লাস্ট মিরামার ম্যাচে হয়েছে কি একটা এনিমি ছিল, সে আগে ছিল তার খুব ড্যামেজ করে দিছে, এখন তার টিমের পিছে সামনে আবার সে জোনে, এখন আমরা মানে আমাদের স্কোয়াড নিয়ে আমরা কি করতে পারি? জোনে যেতে হলে ওর সামনে দিয়ে যেতে হবে আর ওর স্কোয়াড পিছে, নেক্সট ম্যাচে মানে লাস্ট ম্যাচে এটা ছিল।
মানে স্নাইপার যে স্নাইপার তার ধার করে দিলাম আমি অনেক কড়া টাইপ করি আমি অনেক কড়া টাইপ করি আসি ভাই বলেন ফার্স্টে ওই যে ওই লোটাস গ্রেনেড করা পরে সেকেন্ড হইলো ওই যে ওভার পিক না দিয়ে আননেসেসারি পিক না দিয়া মানে লাস্ট জোনে ফাইটের টাইমে যেদিক দিয়ে পুশ আসবো ওই দিক দিয়ে আননেসেসারি পিক না দিয়া ওখানে হোল্ড করে রাখা আর অন্যদিকে এনিমি মারা নক না খাওয়া আর কি মনে নেই এইটা ভাই কম্পিটিটিভ কিভাবে খেলতে হবে ভাই ফার্স্ট
গ্যানেটটা শিখলাম, তারপর হচ্ছে যে তোমার ইয়া ফাইটের সময় স্মোক দেয়া কাভার বানাইতে হইব, কাভার বানাই তারপরে ফাইট নিতে হইব, তারপর সবগুলা সব জোনের ভিতরে জোনের জোন এজ শুরু হয়ে যাব তখন ফাইটটা নেওয়া যাবো না, ইগনোর করতে হবো, জোনে ঢুকতে হবো, এগুলো নিউলি শিখলাম হচ্ছে যে মানে নিউ শিখি নাই, জাস্ট অবজার্ভ করতে পারি না কি যে গ্রেনেডটা লোটাসে মারলে পারফেক্ট হয়, আর ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে গ্রেনেড মলি মারলে এক্সাক্ট এনিমির গায়ে না পড়ে পিছনে চলে যায়, হয়তো ড্যামেজ খেলে অল্প একটু খায়। এটা পারফেক্ট করার জন্য লোটাসে মারতে হবে, আর হচ্ছে গিয়ে মনে করো যেটা ছিল যে কালকে যে যে কারণে মাইকটা খাইছিলাম যে একটা নক করে ফিনিশ যাতে না দিতে পারি কভার ফায়ার দিছে প্লাস আরেকজন পাশ থেকে পুশ দিছে, তখন আমার কাছে একটা স্মোক থাকলে আমি স্মোক করে মুভ করতে পারতাম, যেহেতু ফার্স্ট একটু লুট করছি ছিল না সো মাইর খেয়ে ফেলছি, এটা অন্য হিসাব। আর হচ্ছে গিয়ে তুমি সেম উইন্ডোতে বারবার পিক দেওয়া যাবে না, পজিশন চেঞ্জ করে করে পিক দিতে হবে, অ্যাটলিস্ট স্নাইপারের সামনে না। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর জোন ছোট হয়ে গেলে জোনের বাইরে ফাইট নেওয়া যাবে না, টোটালি ইগনোর করে জোনের ভিতরে এন্টার করে তারপরে ফাইট নিতে হবে যদি ফাইট হয় আর কি। আর বাকি ওগুলা তো বেসিকই। এই তো সীমিত সবাই যেটা বললো, না না এই যে লোটাস গ্রেনেড তারপর আননেসেসারি পিক আননেসেসারি ফাইট গুলা এভয়েড করা, তারপর টিমমেট ন ফেলে টিমমেট ন ফেলে আগে ইয়ে করা। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ এক মিনিট ২৫ স্পিড হয়ে লুট করলে কি বেটার হয় না, মনে করো মানে আমরা এনিমি দেখলাম না বাই চান্স। আরে এখন এখন তোমরা এখানে এনিমি নাই যখন যখন দেখবে কেউ নাই তখন ওই স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাপ্লাই করবা, কিন্তু টু টু স্প্লিট করলে কি হবে যে লেট করতে তোমার যা মানে লুট করতেও লেট হয়ে যাবো, কিন্তু তোমরা যখন ফোর স্প্লিটে থাকবে তখন লুট করতে তো একটা প্রবলেম হবে না, আর সবার সবার পারফেক্ট লুট পাবে। না আমি দেখি লাস্টের দিকে প্যারাশুট খোলার পর আমি আশেপাশে খেয়াল করি।
ট্রেনিং ভিডিও গুলো তোমার কাছে আছে? আমার না কিছু ভিডিও লাগবে, আমি না প্রায় আধা ঘন্টা ট্রেনিং করার পর আর খুঁজে পাই না কি ট্রেনিং। ক্লোজের কিছু ট্রেনিং লাগবে, আর লং এ তো মনে করো যে স্প্রে এটুকুই, আর বেসিক গুলা জানাই আছে। ক্লোজের আমি ক্লোজের কিছু ট্রেনিং নিজেকে কভারে রেখেছি। সেটাই সেটাই, বোল্ট অ্যাকশন এর যেটা, বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার ট্রেনিং, রিঅ্যাকশন টাইম ঢোকার পরে একটা শর্ট রিপোর্ট যায়, এটাই।